दिस वीक वी आर नॉट टेकिंग योर टेस्ट साइंस का, इस वीक में टेस्ट नहीं हो रहा, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग योर टेस्ट, राइट? फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यू विल हैव योर टेस्ट, सो बी रेडी फॉर दैट. नेक्स्ट वीक यू विल हैव, एंड हाउ द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ. इट विल बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल टर्न देयर वीडियो ऑन. अगर वीडियो ऑन नहीं है तो वो रिमूव हो जाएंगे मीटिंग से. हाँ, उसी टाइम पे क्लास में पीरियड में टेस्ट होगा. लाइक आई हैव कंडक्टेड प्लस वन टेस्ट जस्ट नाउ, सो इट वॉज ऑफलाइन, ठीक है? और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो ऑन करके बैठे, राइट? एंड यू विल हैव योर कंबाइंड टेस्ट ऑफ साइंस, 5 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 5 ऑफ केमिस्ट्री, 5 ऑफ बायो, एंड इट विल बी मिक्सचर ऑफ एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन. मतलब आपका जो पैटर्न है दैट इज नाउ गोइंग टू बी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव. हम 15 मार्क्स का लेंगे, 5 से कम तो क्या ही डालेंगे हम फिजिक्स केमिस्ट्री. लेट अस अज्यूम इट टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव. पहले भी ऐसे ही होता था ऑब्जेक्टिव. हाँ, ये कौन है इधर? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पैटर्न लेके चलते हैं, ठीक है? चलिए, सो वी वर डूइंग ग्रेविटेशन, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी डिड दैट डे. हु विल टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यस, एनीवन? दिस इज द फॉर्मूला आई एम आस्किंग द स्टेटमेंट. दिस इज द फॉर्मूला आई एम आस्किंग द स्टेटमेंट. हाँ जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट डज इट स्टेट? व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्या प्रोपोर्शनल है? क्या क्या फोर्स इज डायरेक्टली? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. सो वी गेट द फॉर्मूला. विच फॉर्मूला? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर. What is the value of G? एक मिनट, आप बताओ. What is the value? Newton and kg square. And upper unit में पर के जी स्क्वायर, एंड इट इज नॉट 6.61, इट इज 6.67. इट इज 6.67 इनटू 10 रेस टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. एंड का मतलब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया. वन मिस्टेक इन द यूनिट, होल थिंग इज रॉन्ग. ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? दीज टर्म्स वी डिड दैट डे. व्हाट इज कैपिटल जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? यस, बिकॉज इट रिमेन्स सेम ओवर द होल यूनिवर्स. आई टोल्ड यू, अगर आप मून पे चले जाओ, यूरेनस पे चले जाओ, जी की वैल्यू यही रहेगी जो अर्थ पे. कैपिटल जी विल रिमेन सेम ओवर द होल यूनिवर्स. लेट अस डिफाइन इट नाउ. यूनिट हो गया, वैल्यू होगी, इसकी डेफिनेशन आई थिंक कर रहे थे हम. तो इफ वी पुट मासेस वन हियर इन द फॉर्मूला, डिस्टेंस आल्सो 1 मीटर, देन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी विल बी इक्वल टू फोर्स. अब इसको कनेक्ट करके हम डिफाइन कर रहे थे तो वेल हो गई थी, हो गया था. चलो फिर ये सुनाओ डेफिनेशन. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 1979,
What is the definition of universal gravitational constant? How do we define? Close the copy. Close. हाँ बोलो. Next. Next girl. Copy बंद. It is not the mass. आप देख रहे हो आपके सामने है. Gravitational constant is the gravitational force. आगे you have to connect these things together. Gravitational constant is equal to gravitational force between two objects of mass 1 kg separated by distance of 1 m. That ठीक है. So it is the force, gravitational force between those two objects whose mass is 1 kg and they are separated by distance of 1 m. Right. Now, what is the importance of concept of gravitation or importance of Newton's law of gravitation? Importance of Newton's law of gravitation, or in nutshell, we can say, what is the importance of concept of gravitation in our life? ठीक है, लिख लो question. What is the importance of gravitation? या ये question ऐसे भी हो सकता है. What is the importance of Newton's law of gravitation? Newton's law of gravitation. हाँ वो भी लिख सकते हो, but if the question is in this form, you must understand. So first point of importance is it binds us to the earth. Gravitational force binds us to the earth. Had there been no gravitational force, we won't be able to be sitting or standing on earth. यही हमें सरफेस से बाइंड करके रख रहा है. दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग और स्टैंडिंग. ठीक है. यस प्रतीक्षा मैम, थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो प्लीज फिर से रिपीट कर दो जो आपने अभी कराया. अभी तो मैंने सुना ही है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज न्यू. राइट. आई एम डिस्कसिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So first point is it binds us to the earth. It binds us to the surface of earth. We लिख सकते हैं. Reason is clear. तो इसीलिए हम खड़े हैं earth के ऊपर. अगर gravitational force नहीं होता तो we would be floating like in space or in spaceship. You must have seen the pictures of astronauts in space. They are floating. They are flying. They are not able to sit or stand. So it is binding us to the surface of earth. Second thing. It is responsible for revolution of planets around the sun. So this is the model of solar system. Yeah, gravitational force. Because this model has been made to calculate distances also of different planets. मून भी कहते हैं सैटेलाइट को. ठीक है, तो वो तो चलो मून ही है. हाँ जी, नेचुरल सैटेलाइट है. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. सैटेलाइट्स आर आल्सो कॉल्ड मून. यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. रेवोल्यूशन मोशन ही रेवोल्यूशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर revolution of planets around the sun. Third thing is it is responsible for revolution of moon around the earth. So the
Saturnites, they are revolving around the planets also because of gravitation. It is responsible for the revolution of satellites ya moon likh lo yahan pe moon around the earth. Responsible for revolution of moon around the earth. पर इन दोनों के बीच में तो है ना मून का मास है ना मून इज सच अ बिग हेवनली ऑब्जेक्ट एंड सो इज अर्थ एंड दे आर हैविंग सम डिस्टेंस आल्सो बिटवीन देम सो व्हाई मून इज रिवॉल्विंग बिकॉज इट इज गेटिंग सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन हाँ वेरी गुड क्वेश्चन कि व्हाई डजंट मून फॉल इनटू द सेंटर ऑफ अर्थ इफ द फोर्स इज ग्रेविटेशनल हो यस नहीं ये यहाँ पे नहीं आएगा ये पॉइंट वीकेस्ट का यहाँ पे कोई इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पॉइंट यहाँ पे ये रीजन आएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंट्रिपिटल फोर्स मिल जाए तो वो सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देते एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज सफिशियंट टू प्रोवाइड मून नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मून को सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है Because of that, it starts moving in a circular orbit. This is the reason because it is getting centripetal force. Right? हाँ सब modify हो जाते Right? Clear है ये Fourth point is gravitational force is responsible. Gravitational force between moon and water, sea water, is responsible for tides. Tides in ocean कैसे produce होती हैं? कौन उनको attract करता है? Moon की gravitational attraction. तो लिखिए gravitational attraction between moon and sea water produces tides in ocean. ठीक है द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर प्रोड्यूसेस टाइड्स इन ओशंस प्रोड्यूसेस टाइड्स इन ओशंस सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन And we come to some questions based on this formula. Write down a question. If a gravitational force between two objects, this is a question. If you gravitational force between two objects. Separated by a certain distance, gravitational force between two objects separated by certain distance is F. Separated by a certain distance is F. What will happen to this force? What will happen to this force? If the distance between them is doubled, distance को double कर दिया है, new force क्या होगा उनके बीच? How will the force change? Yes, formula is there in front of you. तो पहले F है आपका New force, let us say that is F dash. Masses are not changing. What is changing in the second situation? R is changing. So suppose mu r हमारा r dash है. According to the question, what is r dash? Double of previous distance. So r dash is 2r. According to the question. So put it here. R dash की value put करो क्या आएगा? All this 2r का whole square is 4r square.
What is this g m over m2 over r square? That was f. So we get f by 4. So seedhi baat hai, dekho ki force inversely proportional to square of distance. अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डबल हो रहा है, तो फोर्स विल डिक्रीज डेफिनेटली. इफ वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, हम दूसरे मास को दूर लेके जा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, फोर्स वीक हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स विल गेट वीकर. कितना वीक होगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, 1/4 रह जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि जब डिस्टेंस को इंक्रीज किया, डबल किया, फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज होगा. ठीक है, कितना डिग्रीज होगा वो हमने यहाँ से निकाल दिया, आर डैश को 2r पुट कर दिया, डबल पुट कर दिया, सॉल्व किया तो देखा इट बिकम 1/1. वो कब होता है जब मासेस आर 1, डिस्टेंस इज 1, यहाँ वो नहीं है ना. जब आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आप यही से देख के बता सकते हो, यू नीड नॉट इवन सॉल्व. अगर आपका आर डबल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तब डबल का स्क्वायर क्या होगा, 4, और वो 1/4 होगा. ये हमने पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व किया, तो वैसा वैसे देख सकते. अगर सपोज डिस्टेंस ट्रिपल हुआ है, क्या आंसर होगा, ट्रिपल हुआ है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 से कम f by 9. तो एमसीक्यूज में इस तरह से जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तब आपको ये पूरा करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ आई आस्क अ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द द मासेस इज मेड इज रिड्यूस्ड बाय 1/3. चलो लिखो, नेक्स्ट पार्ट लिखो, व्हाट हैपेंस टू फोर्स इफ डिस्टेंस रिड्यूसेस टू 1/3. हाँ, सेकेंड पार्ट लिख लीजिए इसका, इफ डिस्टेंस रिड्यूसेस टू 1/3 व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स. क्वेश्चन वही है, व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/3. अब डिस्टेंस 1/3 कर दिया, कितना हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, 1/9, 9 ऊपर आ जाएगा ना, तो 9 टाइम्स हो जाएगा. अब इंक्रीज होगा, डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा, इतना पता लग जाएगा कितना इंक्रीज होगा. आप उसको स्क्वायर करोगे, ये देखो प्रॉपर मेथड है, फॉलो करें. ये देखो r डैश कितना है, 1/3 ऑफ r, है ना, 1/3 ऑफ r मतलब 1/3. अब यहां पे पुट करो, r / 3 का स्क्वायर कितना होगा, r / 9, r स्क्वायर / 9. अब ये gmm m1 m2 by r square by 9, 9 ऊपर आ जाएगा, so it will become 9 gm1 m2 by r square. Now what is gm1 m2 by r square, f, तब 9 times increase हो जाएगा. But आप इसके लिए shortcut use कर सकते हो, from the formula only you will get to know. What happens to the force if distance is reduced to 1/3? Distance is reduced to 1/3. बस ये देखा करो, अगर कम हुआ है तो फोर्स विल इंक्रीज, अगर थर्ड है मतलब 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा. अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/4, क्या आंसर होगा, डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू 1/4, व्हाट विल बी योर आंसर, 16 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, अब अगर डिस्टेंस इज मेड 4 टाइम्स, व्हाट विल बी योर आंसर, f/16 हो जाएगा. अगर डिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज कर देंगे तो फोर्स f/16 हो जाएगा, रिड्यूस होगा by 16. अगर हम
एफ बाय फोर कर देंगे, आर को आर बाय फोर कर देंगे तो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. सो इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग फोर्स विल बी डिक्रीजिंग एंड वाइस. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए. अब इसका थर्ड पार्ट लिखो, इसी का थर्ड पार्ट. इसके फर्दर और डिवाइड हो, 9 का मतलब 9/1, ये देखो 9 का है 9/1, आप इनटू 1/9 कर दो, मतलब आर स्क्वायर का भी 9 है. ओके फाइन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिखिए. क्वेश्चन वही है, व्हाट विल हैपन टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ, थर्ड पार्ट, इफ बोथ द मासेस आर डबल, इफ बोथ द मासेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल, बोथ द मासेस आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन मासेस इज आल्सो डबल. नो इफेक्ट, फोर्स विल रिमेन द सेम. कैसे? हमने मास भी डबल, मास का डबल, डिस्टेंस इज आल्सो डबल. अब यहाँ भी फिर 2 × 2 = 4 आता है, मासेस भी 2 × 1 = 2 × 2 कर दिए, डबल कर दिए, और डिस्टेंस भी आप कर दिया, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, 4 हो गया ना, ऐसे हो गया ना, मासेस भी डबल, डिस्टेंस भी डबल, तो ये 2 × 4 हो गया, 4. ठीक है, और आर 4 आर तो ये आपका सेम आ गया, न्यूमरेटर में भी 4 आ गया, डिनोमिनेटर में भी 4 आ गया, सो योर एफ डैश इज इक्वल टू एफ. नाउ द फोर्स विल रिमेन द सेम. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर based on Newton's law of gravitation. IMCU में ऐसे आ सकते हैं. Next, next होगा. MCQ तो आते ही रहे हमेशा से आपको. MCQ तो will be there. Assertion reason भी होंगे, वो सारे question होंगे, mixture हो सकता है ना. ठीक है, तो आफ्टर दिस वी कम टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी. तो देर आर 2 G's, एक कैपिटल जी है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अदर इज स्मॉल जी, एंड दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सपोज I drop this piece of chalk, ठीक है, मैं बड़े आराम से इसको छोड़ देती हूँ, फ्री ही गिरा, तो the acceleration with which it falls downward, किसने इसको pull किया, why did it fall downward, why not upward, ऊपर क्यों नहीं गया, because earth is downwards, earth is pulling it towards its center, earth is pulling everything, नहीं, mass ज्यादा हो कम हो, हर चीज नीचे ही जाएगी,
पेपर इज लाइट पर ऊपर थोड़ी जाएगा, आएगा तो नीचे ही ना, है ना, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ओके, एंड एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अभी मैंने चौक गिराया था, उसकी जगह मैं बॉल गिरा सकती हूँ, बुक गिरा सकती, कुछ भी हो सकता. तो वो सभी जिस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड फॉल करेंगे, we will call it acceleration due to gravity. Okay? Force is force, this is acceleration. Acceleration और force में क्या difference होता है वो आप पढ़ चुके हो. Acceleration क्या होता है? Change in rate of change of velocity. चलिए लिखिए definition. Write down. It is the acceleration with which an object falls. It is the acceleration with which an object falls freely in the downward direction. ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो, this is the acceleration with which earth pulls every object towards its center. ठीक है, this is the acceleration with which the earth is attracting any object towards its center. You can call define like this also, right? It is denoted by symbol small g. ठीक है, ये इसका symbol है small g. Unit क्या होगा? Unit same as that of acceleration, because this is acceleration. Unit of small g will be meter per second square. It will be meter per second square. Anyone knows the weight kya hota hai? What do we mean by weight? How do you define weight? Weight and mass are same? No. Mass and weight are different. Jo weighing machine pe aap measure karte ho, wo kya hai? Mass ke weight. Wo kg mein hota hai. To wo weight nahi hai, wo mass hai aapka. ठीक है, सो मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट. लिख लो, मास क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए आपको. मास, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट. उसमें मैटर कितना है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, MATER. इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. Mass is quantity of matter contained in an object. और unit क्या है इसका? kg, kilogram. ये mass तो हमने पहले भी किया हुआ है physical world में, मतलब motion chapter के beginning में. Mass का unit kilogram होता है, you know that. It's a fundamental quantity, ये भी पता है आपको. Yes. ठीक है, तो मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर. आपका अर्थ में जितना मास है, मून पे चले जाओ वहां पे भी मास सेम रहेगा. योर मास विल रिमेन द सेम. अर्थ पे, मून पे, हर प्लेस पे आपका मास सेम रहेगा. अगर आपका मास यहाँ पे 50 केजी है, 60 केजी है, वहां पे भी उतना ही रहेगा. मास विल नेवर चेंज. तो लिख लो, मास इज अ कॉन्स्टेंट. हाँ, वेट चेंज होगा. Mass is a constant and it's a scalar quantity. We don't need any direction to specify it. Mass is a scalar quantity as well.
फंडामेंटल तो है वो अलग क्लासिफिकेशन है, फंडामेंटल और डिराइव और स्केलर और वेक्टर, दिस दिस इज अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. एनदर थिंग अबाउट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा मास. और किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो भी नहीं हो सकता. कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल, कैन यू लुक अराउंड एंड फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट हुज मास यू थिंक इज जीरो? किसका बताओ, कोई ऑब्जेक्ट है आपके अराउंड जिसका मास आपको लगता है कि जीरो होगा? वेरी लाइट की जीरो है उसका मास, नो. ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उनका भी मास होता है. सो दैट्स व्हाई मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव एज वेल. सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू मास, बिकॉज लेटर ऑन वी हैव टू राइट डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, वी हैव टू राइट डिफरेंसेस. तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, डिफरेंसेस में काम आएंगे. नेगेटिव मास, तो मास तो पॉजिटिव ही होएगा, उनका चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, वही तो मैं कह रही हूँ कि मास कैन नेवर बी नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज बट मास विल बी पॉजिटिव. यस, व्हाट यू वांट टू से, व्हाई यू स्पीकिंग देन? चलो बताओ व्हाट इज मास, क्लोज योर कॉपी एंड देन. मोमेंटम का भी कुछ मिलता जुलता डेफिनेशन था, बताइए व्हाट इज मोमेंटम. पढ़ लिया है ना हमने पूरा एक चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पूरा कर लिया, उसमें मोमेंटम बहुत बार यूज किया हमने. व्हाट इज मोमेंटम? दोज वर स्पीकिंग दे मस्ट बी नोइंग. यस सौम्य, मोमेंटम. आप सौम्य हो ना, बताओ हाउ डू यू डिफाइन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, नहीं मीनिंग वाइज क्या है? मैंने कहा मिलती जुलती डेफिनेशन मास जैसी, आप बताओ. क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम मोमेंटम कहते थे, याद है ना. और ये मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. जस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन वर्ड, इट्स डिफरेंट बाय वन वर्ड ओनली, बैटर. ठीक है,